कि आपको पता है कि सैन एंड्रियास के ऑफिसर टिम्पनी की आवाज मार्वल के निक फ्यूरी ने दी थी। आज की वीडियो में मैं और एलजे स्नो आपको बताएंगे 10 ऐसे ही हॉलीवुड एक्टर्स जो गेम्स में नजर आए। हेलो एवरीवन, मैं हूं एलजे स्नो और आप मेरी आवाज अब से सुनते रहोगे, तो हमें फीडबैक दीजिएगा ताकि हम और बेटर कॉन्टेंट बना पाए आपके लिए। और बिना किसी देरी के लेट्स गो। वेल, तो सबसे पहले उसी बात कर लेते हैं कि GTA San Andreas में जो मेन एंटेगनिस्ट हैं, उनकी आवाज मार्वल के निक फ्यूरी ने प्ले की थी, जिन्हें हम सैमुअल एल जैक्सन के नाम से जानते हैं। और मैं सैन एंड्रियास के फ्रैंक टिम्पनी की बात कर रहा हूँ। फ्रैंक एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का करेक्टर था जो LSPD में काम करता था और क्रैश का लीडर भी था। क्या आपको ये पता था? कमेंट्स में जरूर बताइए। पॉपुलर ऑस्कर विनिंग एक्टर केविन स्पेसी, जो फेमस है फॉर हिज वर्क इन हाउस ऑफ कार्ड्स, द यूजुअल सस्पेक्ट्स एंड सेवन, केविन नजर आए थे कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस्ड वॉरफेयर में एज जोनाथन आयरन्स। कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस्ड वॉरफेयर जो रिलीज हुई थी 2014 में, एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसको एक्टिविजन ने पब्लिश किया है। केविन का कैरेक्टर जोनाथन आयरन्स ने गेम में शुरुआत की एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर, बट फिर जैसे ही कहानी बढ़ती गई तब पता लगा कि जॉन वॉज द मेन एंटेगनिस्ट। गुडफेलास, फील्ड ऑफ ड्रीम्स और शेड्स ऑफ ब्लू के लेजेंडरी एक्टर रे लायटा ने एक और आइकॉनिक और शायद से द मोस्ट प्लेड करेक्टर ऑफ ऑल टाइम की वॉइसिंग की थी। जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाई सिटी के मेन करेक्टर टॉमी वर्सेटी। वो भी क्या दिन थे यार, जब हम पूरा दिन बस यही खेलते रहते थे। हालांकि रे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कितने सरप्राइज थे GTA वाई सिटी की सक्सेस के बाद, क्योंकि उनको वीडियो गेम्स और वीडियो गेम्स की मार्केट का कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी हो सकती है। और इसीलिए तो उन्हें बाद में लगने लगा था कि भाई इन्होंने कम पैसे चार्ज करे हैं। वेरोनिका मार्स, द गुड प्लेस और फॉरगेटिंग सारा मार्शल की स्टार क्रिस्टन बेल ने भी वीडियो गेम्स में अपना योगदान दिया है। क्रिस्टन बेल का वॉइस एक्टिंग टैलेंट सिर्फ डिज्नी के फ्रोजन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि क्रिस्टन ने असैसिन्स क्रीड सीरीज में लूसी को अपनी आवाज दी है। जी हाँ, लूसी स्टिलमैन का जो किरदार था वो इनका ही था। ऑल्दो असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड में लूसी के कैरेक्टर को मार दिया जाता है। व्हाई डेसमंड, व्हाई? दुनिया के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर्स में से एक विन डीजल हैं, जो पॉपुलर हैं अपने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज के करेक्टर डोमिनिक टोरेटो के लिए। डीजल काफी गेम्स में अपीयर हुए हैं, जैसे कि द क्रॉनिकल्स ऑफ रेडिक, एस्केप फ्रॉम द बुचर और एसॉल्ट ऑन डार्क एथीना, जो मूवीज के वीडियो गेम एडेप्टेशन है। डीजल ये गेम्स में रेडिक का किरदार निभाते हैं। दोनों गेम्स फर्स्ट पर्सन एक्शन गेम्स हैं जिनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा डीजल द व्हील मैन में भी दिखाई दिए थे। द व्हील मैन एक ओपन वर्ल्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस गेम था जो 2009 में लॉन्च हुआ था अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स। और आइकॉनिक करेक्टर भी प्ले किया डीजल ने 2020 के फास्ट एंड फ्यूरियस क्रॉस रोड्स में। ये गेम एक्चुअली एक रेसिंग और एक्शन RPG था जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस के फिल्म फ्रेंचाइज पे बेस्ड था। हालांकि क्रिटिक्स ने गेम को काफी हॉस्टाइल तरीके से रिसीव किया और रिलीज के 2 साल से भी कम समय में सेल से डीलिस्ट कर दिया गया। पर विन डीजल के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2023 के आर्क 2 में विन डीजल सैंटियागो के करेक्टर का रोल प्ले करेंगे। आर्क 2 सीक्वल है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड का, जो 2017 में रिलीज हुआ था। मशहूर एक्ट्रेस मेगन फॉक्स, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स और जेनिफर्स बॉडी जैसी मूवीज के लिए जानी जाती हैं, मेगन ने प्ले किया था एमिलिया का किरदार स्टॉर्मफॉल राइज ऑफ बॉलर में। स्टॉर्मफॉल राइज ऑफ बॉलर एक MMORPG मोबाइल गेम है जो 2015 में iOS और एंड्रॉइड के लिए रिलीज हुआ था। ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ मोबाइल गेमर्स में और इस गेम के 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो गए थे प्ले स्टोर पर। इंटरनेट के सबसे चहीते एक्टर, जिनको इंटरनेट के बॉयफ्रेंड का दर्जा भी दिया हुआ है और जो अपने होलसमनेस और ताबड़तोड़ एक्शन मूवीज जैसे कि जॉन विक फ्रेंचाइज के लिए फेमस हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन कियानू रीव्स की। 2020 में रिलीज हुए साइबरपंक 2077 में कियानू नजर आए जॉनी सिल्वरहैंड का कैरेक्टर प्ले करते हुए, जो कि एक मेन कैरेक्टर है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टोरी। साइबरपंक 2077 एक ओपन वर्ल्ड एक्शन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है जिसको CD प्रोजेक्ट रेड ने डेवलप और पब्लिश भी किया है। कियानू ने ये गेम की रिलीज डेट E3 2019 एक्सबॉक्स कॉन्फ्रेंस में रिवील करी थी, जहां से हमको योर ब्रेथ टेकिंग वाली मीम भी मिली। थैंक्स कियानू। जॉन स्नो AKA किट हैरिंगटन ने भी एक गेम में विलन का रोल प्ले किया था। किट हैरिंगटन ने कॉल ऑफ ड्यूटी इनफिनाइट वॉरफेयर में सेलेन कोच का करेक्टर प्ले किया। सेलेन कोच गेम का मेन एंटेगनिस्ट था। ऑल्दो थोड़ा अजीब लग रहा है ना ये सुनकर कि किट हैरिंगटन ने विलन प्ले किया, एक इंटरव्यू में किट ने खुद बताया कि वो खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड थे एक विलन का रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि यूजुअली उनको एज गुड गाय कास्ट किया जाता है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि साइकोटिक और अनप्रेडिक्टेबल प्ले करना काफी इंजॉय किया उन्होंने। बट इन ऑल सीरियसनेस, सेलेन कोच का करेक्टर इन सियोरी इनफिनाइट वॉरफेयर वॉज समथिंग else. और अगर आपने ये चेकआउट नहीं किया है, देन आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए।
ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल के गस फ्रिंग एके जियानकार्लो एस्पोसितो भी एक मशहूर गेम में आ चुके हैं। हाँ, आप सही सोच रहे हो, जियानकार्लो फार क्राई 6 में एंटन कैस्टिलो का रोल निभाते हुए दिखे थे। अब सरप्राइज सरप्राइज, इसमें भी उनका नेगेटिव रोल था। आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को गेम के बारे में पता होगा, नहीं भी है तो मैं हूँ ना। फार क्राई 6 रिलीज हुआ 7 अक्टूबर 2021 में। ये फार क्राई सीरीज का 6 मेजर गेम था जो बेस था एक फिक्शनल कैरिबियन आइलैंड में जिसका नाम है यारा। और गेस हु रूल्स द आइलैंड, नन अदर देन द ओनर ऑफ लॉस पोलोस हरमानोस। ओह माफ कीजिएगा, एक्साइटमेंट में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। पर हाँ, फार क्राई 6 मेरे को तो काफी अच्छा लगा, ऑल्दो थोड़े लोग डिसएग्री करेंगे मेरे से। आपका क्या कहना है कॉमेंट्स में बताइए। एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर से लेके रिनाउंड सिंगर फ्रेडी मर्करी को प्ले करना इन बोहेमियन रेस्पेडी, ऑस्कर विनिंग एक्टर रेमी मलिक हैज डन इट ऑल। भर गया, आपको पता है कि रेमी मलिक ने एक ड्रामा हॉरर वीडियो गेम में प्रोटैगनिस्ट को प्ले किया है, अंटिल डॉन, जो कि 2015 में प्लेस्टेशन 4 के लिए रिलीज हुआ था। रेमी ने ये गेम में जोशुआ वॉशिंगटन का रोल प्ले किया है। अंटिल डॉन क्रिटिक्स के बीच में काफी पॉपुलर हुआ अपने बटरफ्लाई इफेक्ट सिस्टम के लिए। ये तो थे हॉलीवुड एक्टर्स, पर हमने बॉलीवुड एक्टर्स हु हैव कोलैबोरेटेड विद वीडियो गेम्स पर भी वीडियो बनाई है। एंटन में भट्ट और नाटी जैसे यूट्यूबर्स पर बेस्ड गेम जानने के लिए राइट वीडियो पे क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, गेम गॉसिप इंडिया को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।